नमस्कार, खबरदार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आज सबसे पहले हम 2019 की महाभारत में विपक्ष के महागठबंधन पर दो बड़े माइंड रॉकिंग इंटरव्यू दिखाएंगे। इंडिया टुडे ग्रुप के माइंड रॉक्स कार्यक्रम में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के महागठबंधन पर उठा रहे सवालों का बेबाक जवाब दिया। तो सबसे पहले हम आपको 2019 के रण पर अखिलेश यादव का इंटरव्यू दिखाते हैं। राहुल जी से दोस्ती, वो अच्छी दोस्ती थी और उस दोस्ती से कैसे घबराए थे सोचिए। कौन घबराया था? बीजेपी के लोग। आप ये बताइए, बीजेपी 40 से ज्यादा दल के साथ लेकर के चल सकते हैं, तो क्या हम 2-3 दल एक साथ नहीं हो सकते? देश को नया प्रधानमंत्री चाहिए। इस बीजेपी ने निराश किया जनता को, धोखा दिया है कि बीजेपी दोबारा नहीं लौट रही। बीजेपी ने जहां पर प्रयोगशाला कर करके इंसान से इंसान को लड़ा दिया, वहां हार गए। तो नौकरियां कहां है, विकास कहां है, काम कहां है, आखिरकार बताना तो पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इंडिया टुडे के माइंड रॉक्स इवेंट में महागठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माइंड ब्लोइंग इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी के साथ अपनी दोस्ती के भविष्य पर रोशनी डाली। राहुल जी से दोस्ती, वो अच्छी दोस्ती थी। एंड ऑफ स्टोरी। चुनाव इतिहास। मैं उस चुनाव की बात कर रहा हूं, अभी जल्दी क्यों भागते हो? अभी तो बात गठबंधन की। आप ही कह रहे थे कि राहुल जी को साथ, उस समय दोस्ती अच्छी दोस्ती थी और उस दोस्ती से कैसे घबराए थे सोचिए। कौन घबराया था? बीजेपी के लोग। सर जीते तो वो चुनाव, लेकिन उनको नहीं पता था कि जीत जाएंगे। उनको नहीं पता था कि जीत जाएंगे क्योंकि हालत हमने देखी है उनकी। सवाल से हट गए। देखिए, आपने कहा कि राहुल गांधी से दोस्ती थी, मतलब एंड ऑफ स्टोरी। फॉरगेट इट। मैं नहीं, ये जानता हूं। क्यों? ये बहुत बड़ी हेडलाइन है सर। अभी आज तक पे ये ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगी, फिर आप बोलोगे कि मेरी बात को। मैं उस तरह का नौजवान हूँ जो एक बार दोस्ती कर लेता है, छोड़ता नहीं है दोस्ती। राहुल गांधी की दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन मायावती से महागठबंधन का क्या? अखिलेश यादव से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साइकिल की खूबियां गिनानी शुरू कर दी। मुझे ये बताइए, जब आप मायावती जी से मिलते हैं तो वो मीटिंग में क्या होता है? मीटिंग में वही होता है जब आप अपने किसी के साथ मिलते होंगे। ये क्यों बता दूं मैं मीटिंग में क्या हम फैसला लेंगे? आप ये बताइए, बीजेपी 40 से ज्यादा दल के साथ लेकर के चल सकते हैं, तो क्या हम 2-3 दल एक साथ नहीं हो सकते? अच्छा, तो आप साइकिल चला रहे हैं या बुआ जी साइकिल चला रहे हैं? आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है? अब ये भी बात भूल जाइए। क्यों? आजकल फिर इलेक्ट्रॉनिक आ गई है, पैडल मारने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, देश को नया प्रधानमंत्री चाहिए। इस बीजेपी ने निराश किया जनता को, धोखा दिया है और भ्रष्टाचार के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर गुमराह कर दिया। अब तो कम से कम पढ़े लिखे लोग जागरूक हो गए हैं कि इन्होंने धोखा दिया है। अखिलेश यादव वैसे तो महागठबंधन के सवालों का सीधा जवाब देने से बचते रहे, लेकिन जब सवाल योगी सरकार को लेकर पूछा गया तो अखिलेश यादव ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि आने वाले चुनावों में बीजेपी का हाल वैसा ही होगा जैसा कैराना और गोरखपुर में हो चुका है। अभी यूपी का रिजल्ट आपने देखा होगा, जहां मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में हार गए हों, उप मुख्यमंत्री हार गए हों, बीजेपी ने जहां पर प्रयोगशाला कर करके इंसान से इंसान को लड़ा दिया, वहां हार गए। तो जनता तो तैयार है इनको हराने के लिए, ये घूम रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं ये तारीख बताएं, क्योंकि सवाल किसान का है। ये कहते हैं MSP दे रहे हैं। हमने पूछा कि आलू के लिए कहां MSP दी आपने, एक बता दो हमें। अभी मक्के की फसल खत्म हो गई, आप बताओ कहां पर आपने MSP दी है? आप बताइए कि नौजवानों को आपने कहा, हमने नहीं कहा कि 2 करोड़ हर साल नौकरी दी जाएगी। बताओ कितनी नौकरी दे दी आपने? अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि महागठबंधन का कोई एक चेहरा तो है नहीं, तो उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो उन्होंने यही सवाल उल्टा बीजेपी पर उछाल दिया। इस वक्त मालूम है ये सवाल किसको पूछना है। आपने प्रधानमंत्री से पूछना है, आपने बीजेपी के अध्यक्ष से पूछना है, आपने यूपी के मुख्यमंत्री से पूछना है। अगर आप लोग सरकार में आ गए
तो ये कैसे समझ में आएगा कि सवाल किससे पूछना है? बुआ जी से पूछना है, भतीजे से पूछना है, स्टेपनी पे बैठे वाले से पूछना है, कैसे पता चलेगा ये? ये घबराइए मत, घबराइए इसलिए नहीं, इसलिए घबराइए नहीं कि बीजेपी दोबारा नहीं लौट रही। आप मुझसे पूछते हैं कि इतने बड़े ग्रुप में आपका कौन है प्रधानमंत्री, हम बीजेपी से पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, बीजेपी का कोई नया प्रधानमंत्री बता दो हमें। नए की क्या जरूरत है, बैठा तो है, इतना मेहनत कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक। और नए के लिए इसलिए जरूरत है, उनके दो बड़े फैसले, दो बड़े फैसले, यहां जितने बच्चे आए बैठे होंगे यादगार के लिए तो 500,000 रुपए बचे होंगे पुराने, वरना किसी की जेब में नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सबके निकलवा लिए। और क्या कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। ये देश के लोग नहीं समझे, गरीब को लगा कि शायद पैसा आ जाएगा, 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। बीजेपी के लोग जाएं इस बार गांव में, देखते हैं कितना 15 लाख रुपए किससे पूछा जाएगा कि 15 लाख रुपए कहां है, आप दीजिए, उसका जवाब क्या देंगे। अखिलेश यादव ने तो ये भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता को बीजेपी ने धोखा दिया है, जाति धर्म के आधार पर बांटकर वोट बटोरे, लेकिन अब की बार वो बीजेपी की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मैंने ये कहा कि यूपी का चुनाव कम्युनल एज पे लड़ा गया, क्या आप उम्मीद करते हैं बीजेपी ने क्या भाषा का इस्तेमाल किया था? लोग लोगों को मार दें जात के आधार पर, धर्म के आधार पर। अगर ये 2017 में हुआ और 2019 में हुआ तब आप कैसे इसको टैकल करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी है आप? 2019 में इसलिए नहीं होगा क्योंकि उन्हीं का फार्मूला हमने समझ लिया है, अब उन्हीं का फार्मूला हम उन्हीं पे लगा दे रहे हैं। क्या है उनका फार्मूला? तो हार गए वो। अखिलेश यादव ने इंटरव्यू के दौरान मोदी सरकार और योगी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी, लेकिन देश में मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार जीत कर आई है। इस बात पर अखिलेश यादव ने सफाई दी कि वो अच्छी मार्केटिंग नहीं कर पाए। आपसे लगता है मार्केटिंग उनकी बेटर है? नहीं, मार्केटिंग ये शब्द मुझे अच्छा लगा आपका, मेरा नहीं है। ये शब्द इसलिए अच्छा लगा, आपने हकीकत बोल दी, सच्चाई बोल दी। मार्केटिंग कैसे होती है ये मुझे भी गुण बताओ कि आखिरकार मार्केटिंग कैसे होती है। आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करके आए, वहां मार्केटिंग सीखे थे इंजीनियरिंग के साथ साथ। हाँ, ये भी अच्छा कह दिया आपने, तो इसका मतलब हमारे पास फंड्स होने चाहिए मार्केटिंग के लिए। आपको लग रहा है कि बीजेपी और इतना दिल्ली सरकार ने बजट रखा है पैकेज, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार रखेगी। मैं चाहूंगा कि वो मार्केटिंग हम भी सीख लें और ज्यादा दिखाई दें टीवी पर। महागठबंधन पर अखिलेश यादव से सवाल जवाबों का लंबा दौर चलने के बाद टीवी टुडे ग्रुप नेटवर्क के न्यूज डायरेक्टर सुप्रिया प्रसाद ने अखिलेश यादव से आरएसएस के कार्यक्रम में न्योते पर सवाल पूछा, तो अखिलेश यादव ने आरएसएस का न्योता ठुकराते हुए इसकी जो वजह बताई वो भी सुन लीजिए। सुप्रिया, अखिलेश जी कल खबर आई है कि आपको आरएसएस ने इनवाइट किया है, आप जाएंगे उनके प्रोग्राम में? देखिए, मैं आरएसएस के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने केवल उतना पढ़ा है कि सरदार पटेल जी ने क्यों बैन लगाया था आरएसएस पर, इसलिए शायद वो पैराग्राफ पढ़ करके मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है कि मैं जा पाऊं। नहीं, पर अगर आप नहीं जानते तो चले जाएंगे तो कुछ सीख जाएंगे, पता चल जाएगा कि ठीक जगह है कि बुरी। मैं ये कहता हूं इन बच्चों से कि सरदार पटेल जी ने जिन बातों को लेकर के बैन लगाया था एक बार आप जरूर पढ़ लें, और अगर आप पढ़ेंगे तो आप यकीन करेंगे कि जो जो बातें उस समय कही गई थी वो आज भी वैसी की वैसी जमीन पर हैं। इसलिए मैं चाहूंगा एक बार जरूर ये लोग बच्चे पढ़ें। वैसे तो आप यूपी पे ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन एमपी में कांग्रेस और बीएसपी के अलायंस के बीच बात चल रही है, क्या आप ऐसी कोई मध्यस्थता करना चाहेंगे दोनों के बीच में? मुझे नहीं पता है किन किन दलों में बात चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारी कोशिश होगी कि अगर कोई गठबंधन बने तो उसका हिस्सा समाजवादी पार्टी भी हो। अखिलेश जी ने इतिहास की किताब से एक पन्ना और एक चैप्टर निकाला और सरदार पटेल का आरएसएस जिक्र किया। अगर उनकी किताब के पन्ने में से एक चैप्टर निकाला जाए तो गेस्ट हाउस कांड याद आता है, और उसके बाद शायद आज की हकीकत में महागठबंधन नहीं बन पाता।
खैर, इंडिया टुडे माइंड रॉक्स इवेंट में बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हुए और 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी पार्टी की रणनीति का जिक्र किया। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सवालों पर तो संभल कर जवाब देते रहे, लेकिन जब बात नीतीश कुमार की आई तो उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर जुबानी हमले किए और नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर बता दिया। साथ ही तेजस्वी यादव ने साफ लहजे में एक बार फिर साफ कह दिया कि महागठबंधन के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद है। 2019 में आरजेडी की कितनी सीटें बिहार में? मैं एक एक बार इनसे पूछे, बिहार पर्टिकुलर नहीं, मैं तीन राज्यों का आंकड़ा देता हूं, यूपी, बिहार, झारखंड। यूपी में 80 सीटें, बिहार में 40 और झारखंड में 14, टोटल 134 सीटें होती है, 134। करेंटली बीजेपी होल्ड्स अराउंड 115 सीट्स। अगर जिस प्रकार से यूपी में मायावती जी एकजुट हुए, मुख्यमंत्री को अपनी सीट गंवानी पड़ी, बीजेपी के लोग हारे जो कि गढ़ माना जाता था बीजेपी का, और बिहार में जिस हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे हैं और जिस हिसाब से फीडबैक आ रहा है और झारखंड में जिस हिसाब से यूनिटी हुई है, तो 100 सीट का तो नुकसान बीजेपी को हो ही जाएगा। युवाओं की जो इंडिया टुडे के माइंड रॉक्स इवेंट में तेजस्वी यादव बेहद कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। अब ये कॉन्फिडेंस महागठबंधन की जीत की उम्मीद का है या बीजेपी की हार के सपने का, लेकिन तेजस्वी का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। मोदी जी तो आएंगे जाएंगे, कोई परमानेंटली तो है नहीं, कोई अमृत पी के तो आए नहीं है, कोई आएगा, बदलाव होगी और युवाओं ने ठाना है बाय इलेक्शन हार रहे मोदी जी। पलटू चाचा के पीएम की हार का बिगुल बजाने के बाद जब तेजस्वी यादव के सामने ये सवाल आया कि महागठबंधन में नीतीश कुमार की एंट्री के कितने प्रतिशत चांस हैं, तो वो नीतीश कुमार पर राशन पानी लेकर चढ़ गए। चाचा जी अगर फिर से, मतलब नीतीश कुमार अगर फिर से हाथ मिलाते हैं तो आप भतीजे का रोल अदा कीजिएगा? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बताओ 4 साल में 4 सरकारें नीतीश जी ने देने का काम किया, काम क्या होगा बिहार में? आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, सारे लोगों का हर घाट का पानी पी लिया। और हमारे पापा तो कहते हैं नीतीश जी के पेट में दांत हैं, जो उनको आगे बढ़ाते उन्हीं को सबसे पहले काटने चलते हैं, तो क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो आएंगे भी तो अंजना जी कौन गारंटी देगा कि वो वापस फिर से पलटी नहीं मारेंगे? नीतीश कुमार से खफा तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी में से उनका बड़ा दुश्मन कौन है, तो एक बार फिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर बिफर पड़े। देखिए कोई दुश्मन नहीं है, ना मोदी जी है ना नीतीश कुमार जी है। पॉलिटिकली दुश्मनी क्या है, वो अपनी बात रखते हैं, हम अपनी बात रखते हैं। क्योंकि आप और नीतीश मिले बिहार में तो बीजेपी का सफाया कर दिया बिहार में, तो फिर अगर ऐसी नौबत आती है 2019 में कि आपको एक मौका मिले और मोदी को आपको साफ करना है वहां से, आप तो उनको फिर अभी अभी बाय इलेक्शन में, बाय इलेक्शन में मोदी जी नीतीश जी सब साथ में थे, क्यों चुनाव हार गए? तो नीतीश जी अब जहां भी रहेंगे उस नैया को डुबाने का काम करेंगे, तो वो जहां है वहीं ठीक रहे, मोदी जी के साथ है। कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था बिहार चुनाव में कि नीतीश जी का डीएनए खराब है, अब मोदी जी से पूछना चाहते क्या डीएनए ठीक हो गया है? फर्जी मुख्यमंत्री है, चोर दरवाजे से आए हुए। आप देखिए ना, वोट किसके नाम पे मिला था? महागठबंधन के नाम से। सरकार में कौन है? बीजेपी। तो चोर दरवाजे से हुआ कि नहीं हुआ? जनादेश का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? Has he cheated? He's not a chief minister. He's a cheat minister. मोदी जी ने तो नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाने के बाद तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधना शुरू किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या पीएम मोदी वाकई इतने ताकतवर हो चुके हैं कि उन्हें हराने के लिए विपक्ष के पास महागठबंधन के अलावा कोई चारा नहीं है, तो उनका जवाब ये था। मोदी जी को हराने के लिए महागठबंधन की जरूरत नहीं, मोदी जी को हराएगी देश की जनता, हराने का काम करेगी और उसमें सबसे ज्यादा भूमिका नौजवानों की होगी, क्योंकि somehow the youth of our country they feel cheated, और ऐसे जिन्होंने चीट करने का काम किया है उनको दोबारा जनता जो है दोबारा सत्ता में नहीं लाएगी। और मोदी जी देखिए अकेले तो है नहीं, फिर आप मोदी जी कहते हैं एनडीए का क्यों नहीं नाम लेती हैं आप सेंध। महागठबंधन के जरिए बीजेपी को हराने की रणनीति बना रहे दलों से अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि उनके पास प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तक नहीं। इस सवाल पर तेजस्वी यादव का जवाब सुनने लायक था। आपके यहाँ कौन सा चेहरा पता ही नहीं चलता? समय पे हो जाएगा। मनमोहन सिंह जी को कोई जान रहा था कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और मोदी जी से बेहतरीन ढंग से सरकार चलाने का काम किया,
देश का नाम रोशन करने का काम किया, इकोनॉमी को सुधारने का काम किया, जीडीपी को सुधारने का काम किया, और मोदी जी ने एक चुटकी बजा के सारे जीडीपी का नुकसान कर दिया। राहुल जी तो कह रहे तेजस्वी यादव को जब ये याद दिलाया गया कि राहुल गांधी तो अभी से महागठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री बनने की अपनी इच्छा का इजहार कर चुके हैं, तो तेजस्वी यादव ने इसका फॉर्मूला भी बता दिया। किसी नेता ने ऑपोजिशन के ये क्लेम किया कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे? राहुल जी तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा सीटें आई, वो खुद को नहीं बोला ना। ऑब्वियसली अगर हमें ज्यादा सीट आएगी हमारी पार्टी को, तो हम तो क्लेम करेंगे ना, ये तो जायज है। आर्मी की पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर जुबानी प्रहार करने के बाद तेजस्वी यादव से जब आरएसएस से जुड़ा एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने पानी पी पी कर आरएसएस को कोसना शुरू कर दिया। कश्मीर में वी आर अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ आरएसएस व्हिच वांट टू डिवाइड आवर कंट्री, और आरएसएस के लोग कहते हैं, आर्मी की बेइज्जती करते हैं आरएसएस वाले लोग, कहते हैं कि आर्मी से बेहतर हमारे आरएसएस के वर्कर हैं जो 3 महीने में तैयार हो जाएंगे लड़ाई के लिए। जब इतनी गोलीबारी चल रही है कश्मीर में तो कहां है आरएसएस के लोग, क्यों नहीं जाकर लड़ने का काम कर रहे हैं? इंडिया टुडे के माइंड रॉक्स कार्यक्रम में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने जिस तरह महागठबंधन पर अपने मन की बातें की, उससे एक बात तो साफ है कि 2019 के महाभारत में बीजेपी को महागठबंधन से कड़ा मुकाबला मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज से स्वच्छता अभियान पार्ट टू की शुरुआत की। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में सफाई अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री के साथ साथ सरकार के मंत्रियों ने अभियान में हिस्सा लिया। हाथों में झाड़ू थामे प्रधानमंत्री की यह तस्वीर पहली नहीं है, पर इसे सबसे ताजी तस्वीर जरूर कह सकते हैं। दिल्ली के पहाड़गंज के सरकारी स्कूल में प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाया, कचरे को जमा किया, फावड़े की सहायता से उठाया, हाथों से प्लास्टिक के कचरे चुने। साफ सफाई का काम पूरा हुआ तो प्रधानमंत्री स्कूल के बच्चों के बीच पहुंचे, उनसे मिले, बात की, स्वच्छता अभियान के बारे में बताया। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चों का उत्साह देखने लायक था। हमसे ये कहा है कि जब आप खाना खाते हैं तो फेंकना नहीं चाहिए, डस्टबिन में डालो, डस्टबिन में डालना चाहिए, और अगर कोई फेंक भी देता है तो उसे अपने हाथ से उठा के डस्टबिन में डाल दिया। अपने स्कूल को स्वच्छ रखे, अपने जो कूड़ा कचरा है उसको डस्टबिन में फेंके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और मिसाल आज कायम की। स्वच्छता श्रमदान के लिए दिल्ली की सड़कों पर पीएम का काफिला बिना ताम झाम के निकला। उनका काफिला आम लोगों की तरह रास्ते पर था, लाल बत्ती पर पीएम रुके भी। जब तक नजर नहीं पड़ी तब तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि बगल में प्रधानमंत्री की कार खड़ी है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान के लिए काम करने वाले देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान अमिताभ बच्चन से भी पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। अमिताभ ने मुंबई के वर्सोवा बीच पर किए सफाई अभियान के अनुभव साझा किए। मैं अमिताभ जी से निमंत्रण देता हूँ, आइए आप भी हमें कुछ संदेश दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले प्रणाम करता हूँ आपको। पहले वर्ष एक स्वच्छ एक्सप्रेस हमने चालू किया, जो कि एक बस चली तकरीबन 350 गांवों में, और बच्चों को शिक्षित किया गया उसके माध्यम से कि कैसे स्वच्छता को रखना चाहिए। फिर अगले वर्ष हमने स्वच्छता की पाठशाला खोली, जहां स्कूल में जाकर के हमने जो विद्यार्थी थे स्कूल से उनसे बात की, उनसे कहा किस तरह हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। फिर मेरा ऐसा मानना था आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि यदि प्रत्येक व्यक्ति जहां भी रहता है अगर अपने इर्द गिर्द की 10 गज जमीन को वो साफ सुथरा रखे तो जो पूरा इलाका है उसका वो साफ सुथरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान पार्ट टू की शुरुआत की है। ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। सिर्फ पीएम ही नहीं, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, विजय गोयल समेत तमाम मंत्री इस अभियान से जुड़े और लोगों को सफाई की शपथ दिलाई। पंकज जैन, कुमार कुणाल और आशुतोष के साथ सचिन गौड़, दिल्ली आज तक। और अब बात जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की विदाई समारोह की, जिन्हें कश्मीर की धरती से विदा करने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट का नया दौर शुरू हो चुका है। इसके बेहतरीन नतीजे सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों के दौरान अलग अलग एनकाउंटर से अब तक कुल 15 आतंकी मार गिराए गए हैं। आज सुबह कुलगाम के चौगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया।
आतंकियों के साथ एनकाउंटर में सेना के दो जवान भी घायल हुए। बताया जा रहा है कि मारे गए पांचों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा से जुड़े थे। आतंकी एक घर में छिपे हुए थे, इसमें मोस्ट वांटेड आतंकी गुलजार पेडर भी था। उसे ए प्लस प्लस कैटेगरी में रखा गया था। मारे गए आतंकियों आतंकवादी सुरक्षा बलों पर हमले और बैंक लूट की कई वारदातों में वांटेड थे। इससे पहले गुरुवार को सुरक्षा बलों के ने ककरियाल इलाके में तीन आतंकियों को ढेर कर दिया। उनसे एक दिन पहले इन आतंकियों ने पुलिस के एक दल पर गोलियां चलाई और फरार हो गए। इसके अलावा गुरुवार को ही कुपवाड़ा जिले में तीन आतंकवादियों और रियासी और सोपोर में दो दो आतंकवादी मारे गए थे। जैसे आपको पता है कि कल रात को ये इन्फॉर्मेशन पे, ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे कॉर्डन किया था। कॉर्डन करते ही वहाँ से फायरिंग हुआ और वहाँ के जो सिविलियंस थे उनको इवैक्यूएट करने के बाद फोर्सेस ने आगे बढ़ा और यहाँ पे जो अभी हमें इतला मिली है कि इसमें पाँच दहशतगर्द जो है मारे गए हैं और इन पांचों का जो बावस था वो तीन लोगों का उसमें हिजबुल मुजाहिदीन के साथ था जो प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और दो लोगों का लश्कर तैयबा के साथ था। ये लोग काफ़ी दिनों से वांटेड थे, डिफरेंट क्राइम जैसे बैंक रॉबरी हुआ, सिविलियन एट्रोसिटीज़ हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेज पर अटैक हुआ, इनमें ये लोग नामजब थे और इनका तलाश फोर्सेज को थी। जनरल इन्वायरमेंट जो है वो उसके लिए हम लोगों का शुक्रगुजार हैं। वहाँ पर जो है अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जैसे ही सर्च ऑपरेशन कम्प्लीट होगा और फर्दर डिटेल आएगा हम आपको अप्राइज करेंगे। वैसे आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही भारतीय सेना ने 17 टॉप मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की एक हिट लिस्ट जारी की थी। इसमें ए प्लस प्लस कैटेगरी के आतंकी शामिल थे। पिछले दो दिनों में 15 आतंकियों का सफाया करके भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो जल्द से जल्द भारत की धरती छोड़ दें वरना इस धरती पर अपने दिन गिनना शुरू कर दें। और आपको बता दें जो टेररिज्म होता है उसकी सबसे बड़ी कहानी ये होती है कि जब आतंकियों के सरगना हार मानने लगते हैं तब वो निशाना बनाने लगते हैं जो वहां पर सिविलियंस हैं, जो आम लोग हैं, या तो उनका इस्तेमाल करते हैं या फिर उनको सीधे तौर पर निशाने पर लेते हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं उसी की एक मिसाल है। और अब बात समंदर के उस सबसे बड़े सूरमा की जो समुद्र के रास्ते से आने वाले आतंकियों का काम तमाम करने के लिए भारतीय तटरक्षक के बेड़े में शामिल कर दिया गया। समंदर का यह नया सूरमा है युद्धपोत विजय। इस युद्धपोत को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया गया। कई खूबियों से लैस है यह युद्धपोत। ओडिशा में पारादीप से पश्चिम बंगाल तक की समुद्री सीमा की निगरानी करेगा। कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल होते ही इस युद्धपोत पर सबसे पहले आज तक पहुंचा। आज तक संवाददाता ने नजदीक से इस युद्धपोत की खूबियां देखी, साथ ही इस युद्धपोत के लाइव ऑपरेशन का गवाह बने। युद्धपोत विजय कैसे समुद्र में होने वाली तस्करी और आतंकियों की राह का रोड़ा बनेगा, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। युद्धपोत जो समंदर का शहंशाह है, वो युद्धपोत जिसकी निगाह में होंगे आतंकी, वो युद्धपोत जो नजर रखेगा रोहिंग्या घुसपैठियों पर, वो युद्धपोत जिससे नहीं बच सकेंगे समंदर के तस्कर। वो युद्धपोत हिस्सा बना है भारतीय तटरक्षक के बेड़े का। उसने समंदर में भारतीय तटरक्षकों की ताकत में इजाफा किया है। समंदर के रास्ते भारत के लिए साजिशें पालने वाले दुश्मनों के लिए काल है। भारत में बना ये देसी युद्धपोत नाम है विजय और इसी युद्धपोत पर पहुंचा है आज तक। आपको रूबरू कराते हैं कि कैसे ये समंदर का सबसे बड़ा सैनिक है।
आज हम आपको आज तक पर समंदर में बढ़ते एक नए खतरे पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के जरिए रोहिंग्या के घुसपैठ को लेकर कोस्ट गार्ड ने तैयारी की है। कोस्ट गार्ड के बेड़े में एक नया शिप विजय शामिल होने हो रहा है। इस शिप के जरिए आने वाले दिनों में कोस्ट गार्ड बंगाल की खाड़ी में रोहिंग्या की घुसपैठ पर नजर रखेगा। इस युद्धपोत को तटरक्षक के बेड़े में शामिल किया गया है। इसे बंगाल की खाड़ी के नजदीक इसे पारादीप में तैनात किया जाएगा, जो पश्चिम बंगाल तक समुद्र में निगहबानी करेगा, समंदर के रास्ते होने वाली तस्करी पर लगाम कसेगा। हमारे हेडक्वार्टर से जब भी हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है कोई बोट गांजा ले जा रही, कोई ड्रग्स कैरी करी है और पेट्रोलिंग करी है, हम इमीडिएटली तो हमारे को बोट लोअर करने में और उस नई बोट को चेंज करने में बहुत डिफिकल्ट होती है। फिर भी हम अपने आप को शिप को मेंटेन करके कैसे भी करके बोट को लोअर करके और जो बोट इलीगल ऑपरेट कर रही है, ड्रग्स कैरी कर रही है, उसको पकड़ते हैं। समंदर के रास्ते आतंकी खतरे को खत्म करेगा, समंदर के रास्ते रोहिंग्या घुसपैठियों को रोकेगा। इस जहाज में 12 अफसर हैं और 90 जवान जो इस जहाज को चलाने में हमारी मदद करेंगे। इस जहाज को 200 मील दूर तक, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हिंदुस्तान का है, उस तक डिप्लॉय किया जाएगा। इस जहाज में एक 30 मिलीमीटर की गन लगी हुई है और 12.7 मिलीमीटर की दो ऑटोमेटिक मशीन गन लगाई जाएंगी। लेकिन ये अपने काम को अंजाम देगा कैसे, उसका लाइव ऑपरेशन आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस युद्धपोत को जान लेना बेहद जरूरी है, तो सुनिए, लार्सन एंड टुब्रो ने भारत में मेक इन इंडिया के तहत इस युद्धपोत को बनाया है। 98 मीटर लंबा है कोस्ट गार्ड का नया शिप विजय। आधुनिक हथियारों और संचार उपकरणों से लैस है ये युद्धपोत। में एडवांस लाइट, हेलीकॉप्टर और स्पीड बोट है। युद्धपोत में 94 नाविक और 12 अफसर सवार हो सकते हैं। युद्धपोत विजय एक बार में 5000 नॉटिकल माइल तक जा सकता है। एक बार में यह करीब 10000 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। युद्धपोत विजय की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है। युद्धपोत विजय का वजन 2200 टन है। युद्धपोत विजय की लंबाई 98 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। इस जहाज की खासियत ये है कि इसमें MTU इंजन लगे हुए हैं, जिनकी जो इस जहाज को 26 नॉट, जबकि जो कि करीब 45 किलोमीटर पर प्रति घंटा की रफ्तार से समुंदर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। बहुत आधुनिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस ये जहाज पूरी तरह इंडिजिनसली बनाया गया है। इस जहाज की लंबाई 98 मीटर्स है। इस जहाज में इलेक्ट्रो ऑप्टोनिक सर्वेलेंस सिस्टम, मॉडर्न रडार्स और दो आधुनिक कश्तियां हैं, जिसकी स्पीड 40 नॉट, जो कि करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी की वो पकड़ने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए हम डिप्लॉय कर सकते हैं। आप देखिए, जिस स्पीड बोट की बात हो रही थी वो ये है, इसे जेमिनी बोट कहते हैं। और जिस चेतक हेलीकॉप्टर की बात हुई वो इसी युद्धपोत के ऊपर मंडरा रहा है। इस तरह के ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड के जो बड़े शिप हैं, उसके अलावा जो हाई स्पीड बोट हैं और साथ ही जो कोस्ट गार्ड की हवाई सुरक्षा है, यानी कि हेलीकॉप्टर है, जो एयर एसेट है, उनकी भी मदद ली जाती है। और एक इस तरह के साझा ऑपरेशन के जरिए समंदर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाती है। इस ऑपरेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो कोस्ट गार्ड के बड़े शिप हैं उनके साथ ही जो हाई स्पीड बोट हैं, जो OPB हैं, इसके अलावा जो चेतक हेलीकॉप्टर है, उसके जरिए इस तरह की संदिग्ध बोट पर नजर रखी जाती है। किसी भी जो आतंकी गतिविधि है उसको नाकाम किया जाता है। अब ये समझिए कि इस युद्धपोत पर तैनात सैनिकों का, इसके ऊपर मंडरा रहे हेलीकॉप्टर का और इस जेमिनी बोट का काम क्या है। तो देखिए, मान लीजिए चेन्नई के समंदर में ये युद्धपोत विजय तैनात है। अचानक इस पर तैनात कोस्ट गार्ड ने दूर समंदर में एक संदिग्ध नाव देखी। बहुत संभव है कि ये नाव किसी आतंकी की हो, क्योंकि ऐसे ही समंदर के रास्ते से आए आतंकियों ने मुंबई में भयानक हमला किया था। तो जैसे ही यह संदिग्ध नाव दिखी, युद्धपोत पर तैनात कोस्ट गार्ड अलर्ट हो गए।
इस खास निगरानी ऑपरेशन के दौरान अचानक एक संदिग्ध बोट नजर आई है, एक संदिग्ध फिशिंग बोट नजर आई है, जिसको रोकने के लिए पहले अलार्म बजाया गया, उसको चेतावनी दी जा रही है अलार्म के जरिए, और अगर अलार्म के बाद भी वो बोट नहीं रुकती है तो इस शिप पर जो गन लगाई गई है, जो जवान मौजूद हैं, वो फायरिंग करके उसको रोकने की कोशिश करेंगे। लगातार इस वक्त आप अलार्म की आवाज सुन सकते हैं, चेतावनी दी जा रही है। संदिग्ध बोट तक पहुंचने के लिए युद्धपोत पर तैनात स्पीड बोट को समंदर में उतारा गया। शिप में मौजूद हाई स्पीड बोट को नीचे उतारा गया है। काफी इस वक्त जो समंदर है वो रफ है, यानी कि लहरें ऊंची हैं। ऐसे मुश्किल हालात में हाई स्पीड बोट को उतारा गया है। जो कमांडो हैं वो उस पर हाई स्पीड बोट पर इस वक्त उतरे हैं, और अब जो संदिग्ध बोट है उस तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी इस हाई स्पीड बोट की मदद से। तैयारी पूरी हुई और उफान मारती समंदर की लहरों पर संदिग्ध बोट की तरफ स्पीड बोट से बढ़ चले कोस्ट गार्ड के जवान, साथ में आज तक के संवाददाता। इस खास इंटरसेप्शन ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और इस जेमिनी बोट के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जो संदिग्ध बोट है उस पर उसकी छानबीन के लिए जो शिप है उससे इस जेमिनी बोट को लोअर किया गया, समंदर में उतारा गया। इस वक्त समंदर की लहरें काफी ऊंची हैं, मुश्किल ऑपरेशन है क्योंकि लहरों के बीच, ऊंची लहरों के बीच इस ऑपरेशन को किया जाना है। आगे देखिए कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। संदिग्ध बोट की छानबीन की जा रही है, एक बड़ा जो शिप है उसकी मदद से, उसके साथ ही ये जो जेमिनी बोट हाई स्पीड बोट है, 70 किलोमीटर की हाई स्पीड के साथ ये बोट समंदर में किसी भी जो संदिग्ध बोट है उसका पीछा कर सकती है, उसको पकड़ सकती है, जैसे कि इस वक्त किया गया है। इस बोट को घेर लिया गया है, 6 जो कोस्ट गार्ड के कमांडो हैं वो इस बोट पर सवार हो सकते हैं, और इस वक्त कोस्ट गार्ड के कमांडो पहुंच चुके हैं बोट के ऊपर, छानबीन की जा रही है। साथ ही जो हेलीकॉप्टर है, चेतक हेलीकॉप्टर, वो एरियल सपोर्ट दे रहा है इस ऑपरेशन में। संदिग्ध बोट पर मछुआरे थे, लिहाजा इस युद्धपोत पर तैनात कोस्ट गार्ड ने उन्हें छोड़ दिया और वापस युद्धपोत पर आ गए। ये युद्धपोत उन लोगों की भी मदद करेगा जो समंदर में फंस जाते हैं। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर है, देखिए कुछ इस तरह से समंदर में फंसे आदमी को युद्धपोत पर सवार कोस्ट गार्ड बचाएंगे। आने वाले दिनों में कोस्ट गार्ड के बेड़े में ऐसे 10 नए अत्याधुनिक शिप शामिल होंगे। इस वक्त कोस्ट गार्ड के पास 117 से ज्यादा शिप मौजूद हैं, लेकिन सबसे खास बात, ये तमाम शिप मेक इन इंडिया के जरिए बनाए जा रहे हैं, स्वदेशी कंपनियां ये शिप तैयार कर रही हैं। मतलब साफ है कि समंदर में सरहद की सुरक्षा की निगरानी के लिए एक नया सैनिक तैयार है। मंजीत नेगी, चेन्नई, आज तक। समंदर के सुल्तान को आपने देख लिया, अब देखिए देश के अभिमान, देश के जवान। जी हाँ, आतंकियों को खत्म कर देने के इरादे से एक जगह जवान इकट्ठा हुए, बकायदा आतंकियों की घेराबंदी हुई और आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया। खास बात यह रही कि भारतीय जवानों के साथ 5 देशों के जवान भी शामिल थे। 6 देशों के जवानों को आतंक के खिलाफ कार्रवाई क्यों करनी पड़ी, पूरी रिपोर्ट। सेना के जवानों की भाव भंगिमाएं बताती हैं कि यहीं कहीं आसपास आतंक की आहट है। सेना के हेलीकॉप्टर से उतरते इन जाबाजों की फुर्ती बताती है कि यहीं कहीं कोई आतंकी छिपा है। सेना के जवानों की तनी हुई बंदूकें बताती हैं कि अगर यहां आतंकी है तो उसका बचना नामुमकिन है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आतंकियों को घेर लिया गया है, चंद मिनट में उनका काम तमाम हो जाएगा। जवानों ने यहां स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया है, ब्राउन हाउस नाम के एक घर में घुस चुके हैं आर्मी के जवान।
आसपास के इलाके में भी मोर्चा बंदी जबरदस्त है। आतंक को नेस्तनाबूद कर देने के लिए तैयार इन जवानों की टोली, ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इनमें कई देशों के जवान हैं, कई देशों के सेना के मुस्तैद सिपाही, जिनका एक ही लक्ष्य है आतंक का खात्मा किसी भी कीमत पर। पूरी तस्वीर बहुत गौर से देखिए, देखिए कि कैसे मुस्तैद होकर चल रहे हैं जवान, कैसे वो एक घर में घुसते हैं, बारीकी से घर का निरीक्षण करते हैं। ये जवान कैसे स्कूल को घेरते हैं, दबे पांव आतंक की आहट सुनने की कोशिश करते हैं। ये जवान कैसे रिहायशी इलाके में आतंक के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और कैसे ये यहां से एक आतंकी को पकड़ भी लेते हैं। आतंकी को एक सैनिक बंधक बनाता है और दूसरा उसके छाती पर बंदूक तानकर उसे अपने साथ ले जाता है। मतलब ये कि आतंकी जिंदा पकड़ लिया गया। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में पुणे के शिवनेरी की है। अब सवाल ये है कि क्या शिवनेरी में आतंकी हमला हुआ है? दूसरा सवाल ये भी है कि यहाँ दूसरे देशों के सैनिक क्या कर रहे हैं? तो पूरी खबर बहुत गौर से सुनिए। दरअसल पुणे के शिवनेरी में आतंकियों को खत्म करने के इरादे से ये साझा अभ्यास किया जा रहा है। इस साझा अभ्यास में 5 देशों की सेनाओं के जवान हैं। इस साझा अभ्यास में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड की आर्मी शामिल है। दरअसल ये देश बिम्स्टेक का हिस्सा है। यहाँ से जब वापस जाएगा बहुत नॉलेज के साथ जाएगा। हम सब बिम्स्टेक नेशंस का जो सीखा हुआ है वापस जब भूटान जाएगा हम लोग को एक्सपीरियंसेस साथ ले जाएगा। इस एक्सरसाइज में बे ऑफ बंगाल के नेबरिंग कंट्रीज ने हिस्सा लिया। हर एक देश के अंदर अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रही हैं जिनका अलग अलग मॉडल्स ऑपरेंडाई है। इस एक्सरसाइज के जरिए हमने उस मॉडल्स ऑपरेंडाई को सीखा और उन देशों के अंदर जो भी टैक्टिकल ड्रिल फॉलो होता है उन ऑर्गेनाइजेशंस को काउंटर करने के लिए उसको हमने अपने ट्रेनिंग करिकुलम में इम्बाइब किया। इनका मकसद सैनिकों को आतंकवाद के खिलाफ अभियानों के लिए योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित करना है। मुंबई हमले में जिस तरह की कार्रवाई NSG ने की थी उसी तरह यहाँ भी सैनिक हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे हैं। 5 देशों का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो पुणे में 16 सितंबर तक चलेगा। आज तक ब्यूरो। भारत समेत 5 देशों का सैन्य अभ्यास आपने देख लिया। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे युद्ध छिड़ गया हो। देखिए बड़े बड़े टैंक, मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर और गोलीबारी करते हैं सैनिक। ये रूस में साइबेरिया के आसमान पर मंडराते रूसी सैनिक हैं। और इन सैनिकों के दल में मौजूद है चीनी सैनिक। बिल्कुल ठीक समझा आपने। रूस और चीन की सेना साइबेरिया में संयुक्त अभ्यास कर रही है। वैश्विक राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाले विशेषज्ञों की माने तो चीन के साथ रूस के साझा अभियान का अर्थ है अपनी ताकत की नुमाइश करना। दरअसल रूस अमेरिका को ये दिखाना चाहता है कि पश्चिम की पाबंदी के आगे वो नहीं झुकेगा क्योंकि पूरब में उसके पास चीन जैसा साथी। SM-1 методом наброс, позволяющих сжатой проводить учения. Управление действиями взводов осуществляет артиллерия и группировки. +4++. Самолет позволяет вести явным огнем вооружение танков и БМП.
постоянная смена. Используя результаты воздушный огонь по передовому командному пункту, механизированной бригады противника и зенитно-ракетском снаряжении. Поезд принят арест самолета. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पामपोश होटल में लगी भीषण आग पर काबू पाया जा चुका है, मगर भयानक आग जिस तरीके से लगी उसने थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मचा दी। श्रीनगर के इस आलिशान होटल के ऊपरी हिस्से में लगी आग की लपटों ने लोगों को हैरान कर दिया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। दमकल की कई गाड़ियां लाल चौक के पास खड़े होटल पंपोश को बचाने में जुट गई। लकड़ी से बने होटल का ऊपरी हिस्सा धू धू कर जलने लगा। इस आलीशान होटल को लोग दूर से जलते हुए देख रहे थे। हम इस वक्त लाल चौक इलाके में हैं और ये होटल पंपोश है। इसी होटल में अभी कुछ देर पहले से आग लगी हुई है और जैसा आप देख रहे हैं जो दमकल विभाग हैं उनके जो लोग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस आग को बुझाया जाए। मैं आपको बता दूं कि ये श्रीनगर शहर के बिल्कुल बीचों बीच ये होटल है। शहर के एक हिसाब से जो दिल माना जाता है लाल चौक इलाका, वहाँ पर यह होटल है। श्रीनगर का आसमान काले धुएं से भर गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ी होटल की ओर दौड़ी। रास्ते में भी भारी भरकम गाड़ी खड़ी थी। बिना इस गाड़ी को हटाए दमकल की गाड़ियां आगे नहीं बढ़ सकती थी। ऐसे में लोगों ने मिलकर हाथों से इस भारी भरकम गाड़ी को उठाकर दमकल के रास्ते से हटा दिया। श्रीनगर की शान समझे जाने वाले इस होटल को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड के जवानों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन लकड़ी से बने इस होटल में आग की लपटों पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। हम कोशिश कर रहे हैं बुझाया, 10 गाड़ियां पहुंच गई हमारी, आग बुझाने की कोशिश कर, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हमारे जवान लगे हुए हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते जैसे आगे। होटल बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है। टूरिस्ट है अंदर कोई है या सबको निकाला? अभी पता नहीं। हम अभी पहुंच गए। हाँ, अब हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सब फायर इंजन इतने लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड के जवानों ने होटल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस आलिशान होटल में मीडिया से जुड़े कई दफ्तर हैं। ऑफिसर्स भी बहुत टूरिस्ट है, वो ऑफिस वाले टूरिस्ट वाले वो बच गए, उनको निकाला गया। पहले पुलिस वालों ने, लोकल्स ने, जितने भी लोकल्स हैं यहाँ पर उनको सेफ साइड में लिया गया, और जो टूरिस्ट है वो भी वहाँ से उनको बिल्कुल सेफ साइड से निकल गया। कभी इस होटल में सुरक्षा बलों के भी दफ्तर हुआ करते थे। घंटों की मशक्कत के बाद पंपोश होटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। तब तक होटल का ऊपरी हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। हालांकि अब तक पंपोश होटल में आग की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।